वो सारी गोपियां प्रभु से कहती हैं कि प्रभु, पति का संबंध शरीर से है लेकिन आत्मा का संबंध तो आपसे है, और मेरे तो गोपाल गिरधर दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत पल होई, दधी की मथानी बनी प्रेम ते बिलोई, माखन सब काढ़ लियो छाज पिए कोई, संतन ढंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, तारो अब मोई। और माताओं बंधुओं, आपको आश्चर्य होगा कि जिस समय ये रास की लीला हुई है ना, ये सारी गोपियां शरीर से अपने घर पर ही हैं, क्योंकि ये रास की लीला कोई एक दिन की लीला नहीं थी, ये रास की लीला 6 महीने तक चली है, ये रास की लीला 6 महीने तक चली है, और वो 6 महीने तक चलने के बाद भी समाप्त नहीं हुई है, वो रास की लीला आज भी अहिर्निश गति से वृंदावन में चल रही है। आप में से यदि कोई निधिवन गया होगा तो आज भी मेरे प्रभु वहां गोपियों के साथ में रास की लीला करते हैं, अपने भक्तों के साथ रहते हैं। भगवान शंकर भी आए थे रास की लीला में प्रवेश करने के लिए, लेकिन क्या हुआ, उनको प्रवेश नहीं मिला। क्यों? बोले पहले गोपी बनना पड़ेगा, और शंकर जी भी गोपी बने हैं, वो गोपी भाव हृदय में पैदा किया है, उसके बाद उनको प्रवेश मिला है। आज भी वही लीला चल रही है, निधि वन में पूरे दिन बंदर धमा चौकड़ी मचाते हैं, लेकिन जब संध्या की बेला होती है उस निधि वन के अंदर एक पक्षी भी नहीं रहता, अपने आप सब चले जाते हैं। रात्रि को पुजारी वहां पर भगवान का श्रृंगार रखते हैं, पान का बीड़ा रखते हैं, फल रखते हैं, प्रभु की दातून रखते हैं, सारा श्रृंगार रखते हैं, 4-4 ताले रखते हैं, लेकिन जब प्रातः काल वहां के ताले खुलते हैं तो श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है, प्रभु की दातून चबी हुई मिलती है। आज भी आप प्रातः काल जाकर के दर्शन कर सकते हैं, श्री नाथ जी जाइए नाथ द्वारा, आज भी प्रभु का वहां अगर आपने प्रातः काल रथ का दर्शन किया हो तो जैसे आपने देखा हो कि कोई भी वाहन हम लेके जाते तो उसके टायर के पहिए के निशान बनते हैं, तो जब प्रभु अपने रथ को सुबह लेके जाते हैं तो उनके रथ के निशान होते हैं। बहुत समय से कोई ऐसी आसन रखा हो, आप उस कुर्सी पर बैठ जाएं तो जहां आप बैठे होंगे वहां से धूल पूछ जाएगी, लेकिन आसपास धूल रहती है। आज भी प्रभु के रथ पर आसपास धूल रहती है, लेकिन जहां ठाकुर जी बैठे होते हैं वहां धूल नहीं होती है। आप मैहर जी में जाइए, माता मैहर के मंदिर में आज भी जब पट खुलते हैं, ताले खुलते हैं, उससे पहले आला उदल का रखा हुआ फूल, चढ़ाया हुआ फूल दिखाई देता है। बहुत सारे पत्रकारों ने किया कि हिंदू धर्म में तो कुछ भी चलता रहता है, CCTV कैमरा लगाए गए, रात भर भगवान के माँ के मंदिर के बाहर बैठ करके पत्रकारों ने रात भर बैठ करके वहां पर निरीक्षण किया, लेकिन जब प्रातः काल हुई तो देखते क्या है कि वहां तब भी पुष्प चढ़े हुए थे, किसने आके चढ़ा दिया वो व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। एक ऐसा मंदिर है भगवान शंकर का कि जब प्रातः काल वहां के पट खुलते हैं तो वहां पर ताजा ताजा पुष्प चढ़े हुए होते हैं, वो पुष्प जो 1000 किलोमीटर के एरिया में होता ही नहीं है, पर वो कौन है जो ताजा पुष्प आकर के चढ़ा जाता है। ज्वाला जी यदि आप कभी गए होंगे तो आपने वहां ज्वाला जी के दर्शन किए होंगे, तो ज्वाला जी वहां निरंतर प्रज्वलित रहती हैं, और आप यदि लोटे में जल भर करके उनके ऊपर डालो तो लोटे के जल पर भी ज्वाला जी आकर के जलने लग जाती हैं। अभिप्राय कहने का इतना ही है कि यदि हृदय में श्रद्धा और भाव है तो सब कुछ है। जो मेरे प्रभु खंभे को फाड़ करके नरसिंह बनकर प्रकट हो सकते हैं, क्या वो मेरी श्रद्धा पर लड्डू गोपाल बनकर के बोल नहीं सकते? ये मेरी श्रद्धा पर निर्भर करता है। इसलिए प्रभु को दोष मत दो, भगवान को दोष मत दो, दोष है मेरी श्रद्धा का, दोष है मेरे विश्वास का, दोष है मेरे भाव का। और भगवान क्या कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव का ही सार है, और भाव से जो भसता मुझे भव से बेड़ा पार है।
इसलिए प्रभु तो भाव के भूखे हैं। जहां हृदय में भाव होता है वहां प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। तो ये गोपी यही कह रही है क्या कि प्रभु ये शरीर से संबंध है जगत का, लेकिन आत्मा रूपी जब परमात्मा आप मिल गए तो फिर हम संसार के लिए क्यों रुकेंगे। माता बंधुओं, ये रास की लीला 6 महीने तक चली। आपके घर में से आपका बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता यदि घर समय से लौट कर ना आए तो चिंता होती है कि नहीं होती? आप फोन करते हो कि कहाँ हो, फोन नहीं उठता तो आप साथियों से पूछते हो, आसपास वालों से पूछते हो, लेकिन कोई एक दिन तक दो दिन तक नहीं आ रहा तो क्या कोई ढूंढने के लिए नहीं निकलेगा? तो बताओ भागवत जी में कहाँ लिखा है कि किसी भी गोपी को कोई ढूंढने के लिए निकला था, कोई खोजने के लिए निकला था? क्योंकि प्रत्येक गोपी शरीर से घर पे ही थी, केवल आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए यमुना के किनारे पर पहुंचे, कोई गोपी शरीर से नहीं आई है। सारी गोपियां शरीर से घर पे ही हैं, पर ये तो आत्मा परमात्मा का मिलन है। रसो वही सा जो परमात्मा, वो कैसा है? रस स्वरूप है। इसलिए ये जो रास की लीला है ना, इसे काम लीला मत समझ लेना, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इस रास की लीला में प्रवेश उसी का होता है जिसके चित्त में श्रद्धा होती है। और रास की लीला ही असल में हमारे जीवन में भक्ति की उत्पत्ति करती है। और जब ये सारी गोपियां कहती हैं कि प्रभु हम आपको जानते हैं, आप कौन हैं, अब हम आपसे दूर होने वाले नहीं, अब हमने आपको प्राप्त कर लिया है, तब वो एक गोपी कहती है कि प्रभु जो अभी आपने कहानी सुनाई थी ना, आपके अंग संग रह के ऐसे 2-4-5 बातें तो हम भी जान गए हैं। वो कहते हैं कि अब आप हमारी सुनो। तो एक गोपी क्या कह रही है प्रभु से कि प्रभु एक स्त्री अपने स्वामी से बड़ा प्रेम करती थी। एक बार उसके स्वामी ने कहा कि देवी घर में धन समाप्त हो रहा है और मुझे बाहर कार्य करने के लिए जाना होगा। तो वो स्त्री बड़ी दुखी हुई कि आपकी सेवा करती थी, भोजन बनाती थी, वस्त्र धोती थी, समय कब बीतता था पता नहीं चलता था, अब आप चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी, मेरा समय कैसे बीतेगा। तो उसके पति को भी चिंता हुई, उसका दुख देखा तो उसको भी अच्छा नहीं लगा। तो उसने क्या किया कि एक मिट्टी का लेकर के उसने मिट्टी से मूर्ति बनाई, और मूर्ति बनाने के बाद में उसने अपने पत्नी को दे दिया और कहा कि तू इसे मेरा ही स्वरूप मानकर के इसकी पूजा करना, भोजन बनाना और तुम इसको भोग लगा देना। पति चला गया, इसने अपने घर का मुख्य द्वार बंद कर दिया और भोजन बनाती, भोग लगा करके फिर प्रसाद स्वरूप पाती। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, 6-7 मास बीते और ये अब 6-7 महीने के बाद लौट करके आया है। पत्नी वहां मूर्ति के सम्मुख बैठी हुई है और ये द्वार पर आकर के खड़ा, द्वार खटखटा रहा है। तो गोपी कहती कन्हैया अब आप न्याय करो कि इसका पति द्वार पर द्वार खटखटा रहा है और ये उस मूर्ति के सम्मुख बैठ करके भजन कर रही है, इसको क्या करना चाहिए। कन्हैया कहते हैं ये भी कोई पूछने की बात है, अरे जब उसका असली पति आ गया तो द्वार पर जाके खोलना चाहिए, उसको भीतर लाना चाहिए। तो सारी गोपियां कहती कन्हैया कर दिया ना तुमने न्याय, अरे जब आत्मा का परमात्मा असली पति स्वामी मिल गया तो फिर मिट्टी के मूर्ति की पूजा कौन करेगा। ये संसार है, ये जगत है, ये शरीर से संबंध रखता है, पर हमें तो आत्मा का परमात्मा मिल गया, इसलिए अब हम कहीं जाने वाले नहीं है। श्याम सुंदर ने जब गोपियों के हृदय के उस निर्मल अंतकरण भाव का दर्शन किया तो गोपियां कितनी थी, लाखों गोपियां थी, और मेरे श्याम सुंदर ने भी अपनी माया से उतने ही रूप धारण कर लिए जितनी गोपियां हैं, जितनी गोपियां उतने श्याम सुंदर। और प्रत्येक गोपी के साथ मेरे प्रभु नित्य कर रहे हैं, उनके हृदय को पावन कर रहे हैं। आज उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर प्रभु ने उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया है। आज मेरे प्रभु महारास की लीला करके संपूर्ण पृथ्वी के जड़ जंगम वनस्पति को धन्य कर रहे हैं। आइए द्वारिका वालों, हम भी भाव से गोपी भाव धारण करके प्रभु के साथ इस महारास की लीला में प्रवेश करते हैं।